Assalamu alaikum. A very happy, lovely morning. Dear students, how are you all? Fine, very good. Kaise hain aap sab? Khairiyat se hain? Theek thaak, very good. Janab, ye bataiye, kya kar rahe hain aaj kal aap? Aap log to ab mashallah se bade ho rahe hain. Bhaiya, aap logon ko to ab time bhi dekhna aa gaya hai, isn't it? जी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम अपनी क्लास में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? ओ क्लॉक, इजंट इट? ओ क्लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को? तो भाई हमने किस तरीके से पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि भाई आपने क्लॉक देखी है, इजंट इट? और क्लॉक के कितने आर्म्स होते हैं, कौन बताएगा मुझे? टू आर्म्स होते हैं. यस, टू आर्म्स, एक बिग आर्म और एक स्मॉल आर्म, इजंट इट? जी, तो बिग आर्म जो है वो 12 पर होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? ओ क्लॉक. क्या कहेंगे? ओ क्लॉक, याद है ना आप लोगों को? जी हाँ भाई, बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं. हमने बहुत अच्छे से सीखा था, उस दिन प्रैक्टिस भी की थी. और ये बताइए, जब स्मॉल क्लॉक किसी भी नंबर पे होगा और बिग क्लॉक, बिग आर्म जो है वो 12 पर होता है, तो हम कहते हैं कि वही टाइम हमारी घड़ी में बज रहा होता है, इजंट इट? अगर फॉर एग्जांपल, अगर स्मॉल आर्म जो है वो 8 पे होगा और बिग आर्म जो है वो 12 पर होगा, तो इट्स 8 o'clock. यस, 8 o'clock. चलें आज हम ऐसा करेंगे, कुछ थोड़ी सी मोर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से टाइम देखना आ जाए, ठीक है? सो हैव अ लुक ऑन द बुक पेज. जल्दी से जाइए, अपनी बुक ले आइए. ले आए आप लोग, वेरी गुड. नाउ ओपन पेज नंबर 55. वेरी गुड जनाब. पेज खोलने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? डेट डालते हैं. तो प्यारे बच्चों, जल्दी से डेट डाल लीजिए. वेरी नाइस. अब हम क्या करेंगे भाई? अब हम अपने आइकन्स देखेंगे. जी अच्छा जनाब, पहला आइकन कौन सा है? भाई एक पेंसिल है जो कुछ ड्रॉ कर रही है, कुछ बना रही है, इजंट इट? तो अब हमें भी क्या करना है? ड्रॉ. क्या करना है? ड्रॉ. ड्रॉ, से विद मी, ड्रॉ. वेरी गुड. अच्छा, नेक्स्ट आइकन कौन सा है भाई? ये कैट साहिबा हैं, और ये कैट साहिबा में क्या कहती हैं? जल्दी से कलर्स उठाइए, क्रियॉन्स उठाइए और अच्छी सी कलरिंग स्टार्ट कर दीजिए. सो दिस इज कलर. कलर, वेरी गुड. अच्छा जनाब, ये देखिए, यहाँ पर मुझे क्लॉक्स बनी हुई नज़र आ रही हैं, इजंट इट? कितनी सारी क्लॉक्स बनी हुई हैं. तो अब हमने इन क्लॉक्स में क्या करना है भाई? हमने देखें, फर्स्ट क्लॉक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आर्म्स बने हुए हैं, इजंट इट? आर्म्स बने हुए हैं, यानी कि देखिए, बिग आर्म जो है वो 12 पर है और स्मॉल आर्म कहाँ पर है? 7 पर है. सो इट्स 7 o'clock. क्या है? 7 o'clock. वेरी गुड. अच्छा जनाब, अब हम ऐसा करते हैं, दूसरी वॉच देखते हैं. इस वॉच में क्या है, कौन बताएगा मुझे भाई? यहाँ पर इस वॉच में कुछ मिसिंग है, इजंट इट? नज़र आ रहा है आप लोगों को कि क्या मिसिंग है? भाई इस वॉच में नंबरिंग्स हुई हुई हैं, मगर आर्म्स मिसिंग है, इजंट इट? आर्म्स मिसिंग है. तो अब आपने क्या करना है, जो यहाँ पर डैश पे जो लिखा हुआ है उसी के आर्म्स यहाँ पर ड्रॉ करने हैं. जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत आसान सा काम आपने करना है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9 o'clock, तो अब आपने क्या करना है, स्मॉल आर्म और बिग आर्म को यहाँ पर ड्रॉ करना है कि जिससे इस क्लॉक में 9 o'clock शो हो जाए. तो फिर आप किस तरीके से बनाएंगे भाई? बिग आर्म आप कहाँ पर बनाएंगे? ऑफ कोर्स 12 पर. वेरी गुड. एंड स्मॉल आर्म कहाँ पे बनाएंगे?
9 पर, वेरी गुड। जब हम स्मॉल आर्म को 9 पे ड्रॉ करेंगे, बिग आर्म को 12 पर, तो ये बन जाएगा 9 o'clock, 9 o'clock, वेरी गुड। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्लॉक देखेंगे। भाई यहाँ पे भी नंबरिंग्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आर्म्स मिसिंग है तो जल्दी से आर्म्स ड्रॉ करने हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये बताइए कि बिग आर्म कहाँ पर जाएगा, किस पोजीशन पर, 12 की पोजीशन पर, वेरी गुड। तो जल्दी से आप ड्रॉ कर लीजिए बिग आर्म, वेरी नाइस। नाउ अब हमने क्या है यहाँ पर, 3 o'clock, यानी कि 3 o'clock शो करेगी अब ये क्लॉक। तो अब हम क्या करेंगे, स्मॉल आर्म को किस पोजीशन पे रखेंगे, 3 की पोजीशन पे रखेंगे जी। तो जल्दी से आप लोग 3 की पोजीशन पे स्मॉल आर्म बना लीजिए। हैव यू डन, वेरी गुड। नाउ दिस क्लॉक शोज 3 o'clock, 3 o'clock, वेरी गुड। कितना इंटरेस्टिंग वर्क है, मजा आ रहा है आप लोगों को। तो जनाब अब आपने क्या करना है कि ये जो 2 clocks हैं ये अब आपने खुद बनानी है। एक क्लॉक में आप बनाएंगे 6 o'clock एंड अनदर में आप बनाएंगे 4 o'clock, isn't it? कर लेंगे आप लोग, भाई बहुत आसान सा काम है, isn't it? और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। और क्या करना है भाई, इन दोनों वॉचेस में आपने आर्म्स ड्रॉ करने हैं और इन तमाम क्लॉक्स में आपने क्या करना है, कलरिंग करनी है जनाब। और टीचर के साथ आपने टीचर को ये शो भी करना है और उनके साथ आपने इन आर्म्स को डिस्कस भी करना है, करेंगे ना जी। हाँ भाई, बहुत प्यारे बच्चे हैं, प्यारे बच्चों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।